शुरुआत करना चाहेंगे प्रदर्शन से, क्योंकि आज ही बिजली बोर्ड मुख्यालय में बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन पहुंची थी। जोरदार प्रदर्शन इनकी ओर से किया गया, विभिन्न जिलों से हजारों की तादाद वहां पर कर्मचारियों की आई थी और ये अपने अधिकारों को लेकर वहां मांग कर रहे थे। इनका ये कहना था कि जब बाकी विभागों को, कॉर्पोरेशन को ओपीएस का लाभ दिया जा रहा है, तो बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है। दरअसल इनका एनपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन अभी तक कट रहा था, ये कटना अभी तक बंद नहीं हुआ है। इस वजह से इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये तो एनपीएस के दायरे में ही रह गए हैं, ओपीएस में इन्हें नहीं लिया जा रहा है। इसी बात के चलते आज इन्होंने बड़ी आक्रोश रैली निकाली, विभिन्न जिलों से ये कर्मचारी आए थे और जोरदार नारेबाजी भी की। हालांकि बार बार एक ही दुहाई यहां कुछ एक प्रतिनिधियों की ओर से दी जा रही थी इस आक्रोश रैली के दौरान, जिसमें उनका कहना था कि सरकार तो बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के साथ है, लेकिन प्रबंधन उनका साथ नहीं दे रहा है। हर बार प्रबंधन कमेटी की वजह से ही कोई ना कोई परेशानियां खड़ी हो रही है और इन्हें अपने लाभों से वंचित रहना पड़ रहा है। इसी बीच जब इनकी आक्रोश रैली चल रही थी तो सीएम सुक्खू ने हस्तक्षेप किया और एक बड़ा ऐलान आक्रोश रैली के बीच ही कर दिया है। हालांकि सीएम सुक्खू धर्मशाला में थे, वहीं से उनकी ओर से एक प्रेस नोट जारी हुआ जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा, जल्दी ही इसे लेकर अधिसूचना जारी होगी। जैसे ही ये प्रेस नोट जारी हुआ उसके बाद प्रबंधन ने भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को वार्ता के लिए बुलाया, एक प्रतिनिधिमंडल जब वार्ता के लिए गया तो प्रबंधन ने इन्हें आश्वासन दिया कि 2 दिन के भीतर इनके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी ओपीएस बहाली की। अब 27 मई का आश्वासन इन्हें दिया गया है, लेकिन इस आश्वासन पर कितनी जल्दी प्रबंधन खरा उतर पाता है ये देखना होगा, क्योंकि बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन की ओर से एक बात ये भी ही गई है कि अगर 27 मई तक इन्हें लेकर अधिसूचना जारी हो जाती है ओपीएस की, तो फिर ये 28 मई को धर्मशाला में आभार रैली में भी अपनी भागीदारी दिखाने वाले हैं। यानी कि वहां पर जो रैली आयोजित की जा रही है आभार, क्योंकि उसमें जिताया जाएगा सीएम सुक्खू का और बाकी मंत्रिमंडल का एनपीएस प्रतिनिधियों की ओर से, तो उस रैली में जाने से भी फिर ये नहीं चूकेंगे, बिल्कुल जाएंगे और अपनी ओर से भी आभार व्यक्त करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, अगर 27 मई को इनके लिए यदि सूचना ओपीएस बहाली को लेकर जारी हो जाती है। तो अब इंतजार 2 दिन का और बना हुआ है, ये देखना होगा प्रबंधन की ओर से कितनी जल्दी यदि सूचना यहां पर जारी होती है। दूसरी बात सीएम सुक्खू से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही तो ये बड़ा फैसला देखिए आज लिया गया है और इसे लेकर फिर प्रेस नोट भी जारी हुआ जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि जहां 1,36,000 के करीब कर्मचारियों को ओपीएस देने की बात हुई है, तो उसमें बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को वंचित नहीं रखा जाएगा, इन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इन्हें भी ओपीएस का लाभ मिलने वाला है। ये संख्या 6,500 के करीब है बिजली बोर्ड के कर्मचारी की जिन्हें अब ओपीएस मिलेगी, और फिलहाल इसे लेकर निर्देश भी सीएम सुक्खू की ओर से जारी हो चुके हैं बोर्ड प्रबंधन को। तो अब यहां अधिसूचना तैयार करने की प्रक्रिया में बोर्ड प्रबंधन भी लग चुका है, अब इंतजार कर्मचारियों में बना हुआ है 27 मई का। और सीएम सुक्खू की ओर से आज एक और स्टेटमेंट दी गई है जिसमें उनका यह कहना था कि बात केवल ओपीएस की ही नहीं है, बल्कि इसके अतिरिक्त जो 3% डीए था वो भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को दिया जा रहा है, जो इनकी अन्य देनदारियां हैं उसका भी भुगतान जल्दी ही कर दिया जाएगा। सरकार ने अपना वायदा पहले भी निभाया है, आगे भी निभाएगी और जो इस तरह की देनदारियां हैं उन्हें पूरा करने में प्रतिबद्ध है वर्तमान सरकार, इसलिए किसी भी विभाग या किसी भी कॉर्पोरेशन के कर्मचारी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगली बात मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि प्रदेश में मेडिकल एसोसिएशन काफी ज्यादा नाराज सरकार से चल रही है और इनकी नाराजगी का कारण ये है कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद किया जाएगा। ये फैसला फिलहाल अभी वर्तमान सरकार की ओर से ले लिया गया है, फैसला तो लिया गया है लेकिन साथ ही साथ इसे लेकर अधिसूचना भी जारी हो चुकी है वित्त विभाग की ओर से। तो नाराजगी अब यहाँ कुछ एक डॉक्टर्स की ओर से जताई जा रही है, जल्दी ही ये एक तरह से संयुक्त मंच भी अपना तैयार करने में लगे हुए हैं, उसके बाद बड़ी आक्रोश रैली भी इनकी ओर से निकाली जा सकती है, इस तरह की चेतावनी अभी ये मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दी जा रही है। इनका ये कहना है कि जो इनका नॉन प्रैक्टिस अलाउंस है इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि विभाग में जो अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं उनसे इनकी नौकरी बहुत अलग है, इन्हें दिन रात भी अपनी सेवाएं देनी पड़ती है, हर परिस्थिति में ये मरीजों की सेवाएं करते हैं, फिर चाहे बात COVID-19 की हो या किसी दूसरी आपदा की हो, तो अपनी जान को जोखिम में डालते हुए इन्होंने हमेशा ही प्रदेश के मरीजों के लिए अपनी सेवाएं दी हैं। अब ऐसे में इस तरह का फैसला लेना इनके हित में नहीं है और अगर इस तरह का डिसीजन अब ले लिया गया है और अधिसूचना भी जारी हुई है तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये जल्दी ही बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं, आक्रोश रैली भी निकालेंगे और जाहिर सी बात है ऐसे समय पर फिर सेवाएं भी डॉक्टर्स की प्रभावित होने वाली है और मरीजों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। फिलहाल अभी संयुक्त मंच इनकी ओर से तैयार किया जा रहा है, इसमें कई तरह की मेडिकल एसोसिएशन एकजुट होने वाली है, उसके बाद सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगी। लेकिन ये पूरी कहानी क्या है, आखिरकार ये एनपीए इनका बंद क्यों किया जा रहा है, ये जानकारी बिल्कुल हम आपको देना चाहेंगे। देखिए फिलहाल एक तो ये तर्क दिया जा रहा है सरकार की ओर से कि जो स्वास्थ्य विभाग की मौजूदा परिस्थितियां हैं उस पर गौर करते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है, इसीलिए लगभग ये 5 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर एनपीए नहीं मिलने वाला है, इसमें स्वास्थ्य, मेडिकल एजुकेशन, डेंटल, आयुष और वेटनरी है। और एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे कि सिर्फ नई भर्तियों को लेकर ही ये बड़ा फैसला लिया गया है, यानी कि आने वाले समय में जो भर्तियां होंगी उसमें डॉक्टर्स को एनपीए नहीं मिलने वाला है।
अब देखिए इसमें अधिसूचना के मुताबिक ये स्पष्ट किया गया है, क्योंकि 24 मई को ये अधिसूचना जारी हो गई थी वित्त विभाग की ओर से। तो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में भर्ती होने वाले एमबीबीएस डॉक्टर्स को, आयुष डॉक्टर्स को, इसके साथ ही साथ एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जो वेटनरी डॉक्टर्स रहते हैं उन्हें अब आने वाले समय में एनपीए नहीं मिलेगा। और अधिसूचना में ये भी यहां स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस ये डॉक्टर्स फिर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इससे पहले भी हालांकि एनपीए का मामला काफी ज्यादा विरोध में रहा है, क्योंकि जब 2016 का वेतनमान यहां लागू किया गया था तो उसके बाद डॉक्टर्स की वेतन में बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बदले 25% एनपीए को घटाकर 20% कर दिया गया था। तो ये जो एनपीए पहले घटाया गया था इसे लेकर भी काफी विरोधी स्वर उठ रहे थे। लेकिन दूसरी ओर जो बड़ा फैसला ले लिया गया है वो आने वाले समय के लिए लिया गया है कि देखिए यहां पर अब एनपीए दिया ही नहीं जाएगा, इसे पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। इस तरह की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। अगली बात वेतन विसंगतियों से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि नई सरकार बनने के बाद यह पहला कर्मचारी संगठन सामने आया है जिसने वेतन विसंगतियों का मसला नई सरकार के समक्ष रखा है। दरअसल बात हम यहां सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन की कर रहे हैं। इनका आज एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना से मिला था। विभिन्न विभागों में जो वेतन विसंगतियां रह गई हैं उन्हें इन्होंने मुख्य सचिव के समक्ष रखना चाहा है, जल्दी सुलझाया जाए ये भी डिमांड उठाई है। दूसरी बड़ी बात, इन्होंने लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश राज्यपाल, सचिवालय, लोकायुक्त और एस्टेट ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों को लेकर कही है कि नए वेतनमान के अनुसार ही इन्हें भी पे दी जाए, ये भी दूसरी डिमांड इन्होंने रखी है। तीसरी बात इन्होंने ये रखी है कि कुछ एक सचिवालय में ऐसी शाखाएं जहां पर पद खाली चल रहे हैं अनुभाग अधिकारियों के या कर्मचारियों के, तो इन पदों के सृजन को लेकर भी जल्दी ही फैसला होना चाहिए। हालांकि पॉजिटिव रिस्पॉन्स इन्हें मिला है, लेकिन कब तक फिलहाल ये सभी मसले यहां पर हल हो पाते हैं ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प रहेगा। अगली बात कॉलेज की छुट्टियों को लेकर करना चाहेंगे, क्योंकि कोविड-19 के चलते पहले ये शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया था, फिर चाहे एडमिशन की बात करें या छुट्टियों को लेकर जानकारी दें, एक बार फिर ये शेड्यूल बदला गया है क्योंकि स्थिति अब सामान्य हो गई है। तो आपको बताना चाहेंगे लगभग, क्योंकि 140 के करीब कॉलेजेस हैं जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत भी आती हैं और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी ये कॉलेजेस आते हैं, तो ऐसे में 30 जून से इसमें एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 8-3 एडमिशन की प्रक्रिया के लिए दिए जाएंगे, उसके बाद 8 जुलाई को फिर पहली मेरिट लिस्ट सामने आएगी, उसके बाद फीस डिपॉजिट करवाने का मौका 3 दिन का छात्रों को मिलने वाला है और 18 जुलाई से रेगुलर पढ़ाई फिर शुरू कर दी जाएगी। इसी तरह से अगर जानकारी दें छुट्टियों को लेकर भी, क्योंकि देखिए इस बार 10 दिन की देरी से सेशन शुरू किया जा रहा है, पिछली बार 10 दिन पहले ही एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी 20 जून से ही, क्योंकि कोविड-19 के चलते उस वक्त ये शेड्यूल बदला गया था और अब स्थिति सामान्य हो गई है, तो दोबारा से पिछले वर्षों तरह ही शेड्यूल तैयार करने की कोशिश हुई है। तो इसी तरह से अगर छुट्टियों को लेकर जानकारी दे तो समर वैकेशन 25 दिन की होगी, दिवाली ब्रेक 5 दिन की होगी, विंटर वैकेशन 35 दिनों की यानी कि 1 जनवरी से 4 फरवरी तक रहने वाली है। इसी तरह से परीक्षाओं के लिए यहां 1 अप्रैल से 23 मई तक का शेड्यूल तैयार किया गया है, यानी कि 53 दिन परीक्षाओं के लिए भी इन छात्रों को मिलने वाले हैं। तो फिलहाल एडमिशन को लेकर और छुट्टियों को लेकर इस तरह का शेड्यूल निकलकर सामने आया है, ये जानकारी साझा करना हमने काफी जरूरी समझा। टीचिंग डे इसमें 116 दिन के करीब के रखे गए हैं। अगली बात 10वीं कक्षा के परिणाम से जुड़ी करना चाहेंगे, क्योंकि 10वीं कक्षा के बोर्ड का परिणाम भी आज देखिए घोषित कर दिया गया है और 89% लगभग यहां पर यह परिणाम रहा है। 91,440 विद्यार्थियों ने 10वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, 81,732 विद्यार्थी परीक्षा में पास हुए हैं, 1,682 छात्रों को कंपार्टमेंट भी आई है और 7,534 विद्यार्थी परीक्षा में फेल हुए हैं। हालांकि अगर पिछले वर्ष को लेकर जानकारी दें तो ये 87% परिणाम रहा था, यानी कि इस बार बढ़ोतरी हुई है, अच्छी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं 10वीं के छात्रों ने दी है पिछले वर्ष के मुकाबले की अगर हम बात करें। वहीं सीएम सुक्खू की ओर से आज एक और बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत सारे वाहन मालिक अभी ऐसे रह रहे हैं जिन्होंने अपने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, तो बिना जुर्माना दिए हुए ही अब उन्हें यह पंजीकरण करवाने का मौका मिल रहा है। इसे लेकर फिलहाल और थोड़ा सा समय और दिया गया है वाहन मालिकों को। यह एक कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सड़क सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो गैर पंजीकृत गाड़ियां रहती है कई तरह के जोखिम उनके साथ जुड़े रहते हैं, ऐसे जोखिम कम हो सके इसके लिए भी ये जुर्माना अभी माफ किया गया है। तो समय रहते ही जो दो पहिया वाहन के मालिक हैं या चार पहिया वाहन के मालिक हैं उन्हें ये समय दे दिया गया है कि वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इसके लिए उन्हें कोई जुर्माना भी नहीं देना होगा।